नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। सिविल अस्पताल नसरुल्लागंज को मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा रूम सैनिटाइजर मशीन की कोरोना महामारी बीमारी से बचने के लिए जहां डॉक्टरों द्वारा पूरे सेवा भाव से रोगियों का उपचार किया जा रहा है, ऐसे में उन डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए व पैरा मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण मेडिकल एसोसिएशन नसरुल्लागंज के द्वारा रूम सैनिटाइजर मशीन सिविल अस्पताल को सप्रीम भेंट की गई। अब डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ को एक सुविधा सैनिटाइज मशीन से मिलेगी व सैनिटाइजर कर पाएंगे। मशीन लगाई गई है किसके द्वारा? सबसे पहले तो मैं अपने नसरुल्लागंज मेडिकल एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस मशीन को उन्होंने अपने सिविल हॉस्पिटल नसरुल्लागंज में लगवाया है और आप मेडिकल एसोसिएशन की ही जो प्रयास से इस मशीन को अपने नसरुल्लागंज अस्पताल में लगाया गया। सर, अभी तक अपने क्षेत्र में क्या स्थिति है ताकि लोगों की भी जानकारी में आ जाए? अभी तक अपने नसरुल्लागंज क्षेत्र में कोई भी नोवल कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। हमने कल भी सैंपल लेके अलग अलग कम्युनिटी से लेके 7 सैंपल भिजवाए हैं, उसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगी। इसके बाद पश्चात पता चल पाएगा कि अभी की उपस्थिति में क्या कोई पॉजिटिव केस है कि नहीं। सर, जिनके अपन सैंपल भेज रहे हैं उनकी रिपोर्ट कितने दिन में आ रही है? इनकी रिपोर्ट कम से कम 2 से 3 दिन में आती है। पहले अपने यहाँ से सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल से जिला अस्पताल सीहोर जाती है और सीहोर से सभी ब्लॉक की कलेक्ट होके एम्स भोपाल में वो जाती है। सर, लगभग अपने यहाँ कितने मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया? अपने यहाँ जो है अभी तक यहाँ पर अपन ने 6 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था और जिनका अपन ने जो 14 दिन आइसोलेशन में रखने के बाद उनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं पाई गई तो उनको डिस्चार्ज कर दिया। सर, मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता पे क्या कहना है? मास्क एवं सैनिटाइजर पहले जरूर शॉर्ट हुए थे लेकिन आज प्रेजेंट की स्थिति में हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए सभी सेंटर। तो मैं बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ आईबीएन 9 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।